आईएएस डॉक्टर प्रवीण कुमार जो कभी गुड़गांव के जिलाधीश थे, नगर निगम कमिश्नर थे, यहां तक कि उन्होंने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण गुड़गांव और फरीदाबाद में बतौर एडमिनिस्ट्रेटर पद भी संभाला था। उनकी कलम के एक साइन से जहां अधिकारी कांप जाते थे, वहीं आज वह मूलभूत सुविधाओं की फरियाद लेकर गुड़गांव के जिला उपायुक्त निशांत यादव के दरबार में पहुंच गए। रिटायरमेंट के बाद गुड़गांव में अपना आशियाना बना कर रह रहे रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर प्रवीण कुमार ने जिला उपायुक्त निशांत यादव को मूलभूत सुविधाएं ना मिलने की शिकायत दी। यह सुविधाएं उन्हें नहीं बल्कि घुमतू जाति के लोगों को नहीं मिल रही, जिन्होंने सड़क किनारे अपना डेरा डाला हुआ है। वहीं डॉक्टर प्रवीण कुमार ने जिला उपायुक्त को बताया कि मूलभूत सुविधा हर किसी का अधिकार है और सड़क किनारे गडरिया लुहार जाति के लोग रह रहे हैं, लेकिन इनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। वहीं इन लोगों के राशन कार्ड बनाए जाने की मांग भी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने डीसी के समक्ष रखी, जिस पर डीसी निशांत यादव ने संबंधित अधिकारियों को इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं पालम विहार से आई एक महिला ने डीसी को बताया कि उनका विवाद आरडब्ल्यूए के परिजनों से हो गया। इसके बाद आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मिलकर उनके घर के बाहर पानी पौधों की सुरक्षा बाउंड्री को तोड़ दिया, जबकि उनके आसपास के घरों की भी पौधों की बाउंड्री बनी हुई है, जिस पर किसी भी अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर डीसी ने तुरंत ही संपदा अधिकारियों को इस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सर, मैंने गड़िया लोहार हमारे देश में घुमंतु ट्राइब 26 करोड़ के करीब है, उनका कोई गांव नहीं है, उनका कोई जमीन नहीं है, तो वो कहाँ गए? आप उनको ये कहते हैं कि तो नहीं कह सकते ना, इनकी कोई जमीन नहीं है, इनका कोई गांव नहीं है, ठीक है, तो वो यहाँ पर रह रहे हैं, उनको या तो आप जगह दीजिए। अब जब तक जगह नहीं दो, उनको पानी पीने का हक है ना, चाहे मैं जंगल में खड़ा हूँ, मेरे को पानी पीने का हक है ना, मेरे को अगर टॉयलेट आ जाए, मेरी औरतें कहाँ जाएंगी? तो टॉयलेट का टेम्परेरी टॉयलेट बना दो, किसने कहा? मैं कहता हूँ रोड के बीच में बनाओ, लेकिन जहाँ तक बना हुआ है, जहाँ उनका घर बना हुआ है, वहाँ उतनी हद में टॉयलेट भी बन जाए। तीसरा, उनको राशन कार्ड का या कोई आइडेंटिटी का हक तो है। भाई ये तीन बातें मांगने आए थे, थोड़ा अच्छा आश्वासन मिला है, मेरा तीनों चीज़ों को कहा। ऐसा है, हमारे देश में समस्याएँ 1000, हमारे पास समाधान है 20, तो 1000 और 20 में कितना फर्क है? वो फर्क को हमारे को भरना है, उसके लिए मेहनत हर एक को करनी पड़ेगी। है वहाँ पर इन्होंने जो प्रेसिडेंट है साउथ जोन के, उन्होंने गलत एक्शन लिया, अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हुए हमारी जो बाउंड्री है, जाली लगी हुई थी उसको तुड़वाया है, और बाकी जबकि वो 80-90% घरों के अंदर लगी हुई है जाली वो, और उनके खुद के घर में भी है, तो उसी की रिगार्डिंग हमने फर्स्ट डे से फॉलोअप किया है। HSVP ऑफिस से लेके DC ऑफिस में भी, कमिश्नर ऑफ पुलिस में, सीनियर सिटीजन से, इन सब में बात हुई है, और हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स भी हैं, डिटेल्स भी हैं, और अभी कोई एक्शन इनका फिलहाल हमारे को रिस्पांस नहीं आया था, तो आज इनसे हम रिप्लाई लेने के लिए आए। 6 महीने पहले से, 6 महीने हो चुके हैं इस बात को, एक ही घर का तोड़ा गया है, और बाकी उनके जिन्होंने कंप्लेन करी उनके खुद के घर में भी ये प्रॉब्लम है, और शुरुआत ऐसे हुई थी कि वो धुआं जलाते थे वहाँ पर गैस, मतलब रात के टाइम पे जो गार्ड रखा गया था वो धुआं करता था, उससे बात उठाई थी हमने। उन्होंने जो एक गेट लगाया है उसके 5000 रुपये मांग रहे थे, जिसकी कोई रिसीप्ट नहीं दे रहे, वो गार्ड को जो ड्यूटी पर रखा है पर फ्लोर 1000 रुपये मांग रहे हैं एक एक घर से, और वहाँ पे कम से कम नहीं तो 100 घर है, एक एक घर में 4-4 फ्लोर होते हैं, तो उस हिसाब से तो 4 लाख रुपए बनते हैं, इतनी थोड़ी ना कोई देगा सैलरी, तो उस हिसाब से हमने उनसे रिसिप्ट मांगी, रिसिप्ट के लिए कोई आंसर नहीं है, और उस चीज़ की रंजिश निकालने के लिए उन्होंने ये जो कार्रवाई करी है हमारे से, और हमने इसके सारे रिस्पॉन्स भी दिया कि हमारा कोई मतलब इंक्रोचमेंट नहीं है, फिर भी इस बात को उन्होंने मतलब अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस चीज़ का फायदा उठाया। वहीं मामले में जिला उपायुक्त ने कहा कि रोजाना ही औसतन 60 शिकायतें समाधान शिविर में आ रही हैं, संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। राइट, फिलहाल समाधान शिविर में आए लोग जिला उपायुक्त से आश्वासन लेकर वापस लौट गए। वहीं जिला उपायुक्त की माने तो शिकायतों पर कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश देकर टाइम बाउंड किया गया है, शिविर में आने वाली सभी शिकायतों का समाधान समय पर हो रहा है। समाधान शिविर में हमारे यहाँ डेली 9 बजे से 11 बजे तक लोगों की जो शिकायतें हैं वो सुनी जाती हैं, उसमें पानी की, बिजली की, प्रॉपर्टी ID, PPP और भी जितनी भी इश्यूज रहती हैं वो सारी शिकायतें आती हैं, और सारे विभागों के अधिकारी भी यहाँ पर बैठते हैं, और एक एक करके उन परिवादों की सुनवाई होती है, विभागों को डायरेक्शंस दी जाती हैं उनको क्लोज करने के लिए, उनके कार्रवाई करने के लिए,
और हर हफ्ते इसकी रिव्यू रिपोर्ट भी ली जाती है कि उन्होंने किस शिकायत पे क्या कार्रवाई की। तो ये हमारा जो समाधान शिविर है ये लगभग अब महीने भर से चल रहा है और इसमें हर रोज़ कम से कम 60-70-80 शिकायतें जो हैं डेली आती हैं।